नमस्कार दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। शिक्षा सेवक यानी कि टोला सेवक की भर्ती के लिए विज्ञापन जिले के द्वारा जारी कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने कहा था कि 19 अगस्त से आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो देखिए, 18 तारीख को ही फॉर्म जारी कर दी गई है। कौन कौन से ज़िले का आया हुआ है अभी, 19 तारीख को सभी ज़िलों का आ जाएगा। अभी कौन कौन से ज़िले का आया हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए, इसमें योग्यता वगैरह सब कुछ बताया गया है। ये नया वाला नोटिफिकेशन है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो ओल्ड वाला था, लेकिन चीज़ें सेम टू सेम है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ देखिए, डेट जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 19 अगस्त से लेकर और अंतिम तिथि जो है 4 सितंबर 2023 तक दी गई है। इसमें मैट्रिक पास वाले आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होगा, इसमें कोई भी परीक्षा वगैरह आयोजित नहीं की जाएगी। तो देखिए, 6 माह से 1 वर्ष तक कार्य करने वाले के लिए 5 अंक एक्स्ट्रा वेटेज भी दिया जाएगा। यानी कि अगर जो सरकारी कार्य कर चुके हैं पहले, तो उन लोगों को वेटेज भी दिया जाएगा, अनुभव वालों को, ठीक है। देखिए, 6 महीने से 1 वर्ष तक के लिए 5 अंक मिलेंगे, और वही जो 1 वर्ष से अधिक तक काम कर चुके होंगे उन लोगों को 10 अंक मिलेगा। और जो काम नहीं किए हैं, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, वो भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी देखिए देखिए दिया गया है कि मैट्रिक पास या फिर समकक्ष प्राप्त अंक प्रतिशत में अनुभव के आधार पर प्राप्त अंक जोड़कर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो जिनके पास अनुभव वगैरह नहीं है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आवेदक की उम्र यहाँ पे 18 से 45 साल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पहले वीडियो में भी, सब कुछ वही है, बस सिर्फ नोटिफिकेशन चेंज की गई है। कोटी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि दलित और महादलित इसमें आवेदन कर पाएंगे, और EBC कैंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे जो अल्पसंख्यक है, ठीक है। अल्पसंख्यक मुस्लिम कैंडिडेट जो होते हैं वो लोग आवेदन कर पाएंगे शिक्षा सेवक में, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज में। और आवेदन करते वक्त आपको क्या क्या लगेगा, तो देखिए, जाति और आवासीय निश्चित रूप से लगेगा, और मैट्रिक का प्रमाण पत्र वगैरह जो है ये दिया गया है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कौन से जिले का निकाला गया है। देखिए, यहाँ पे ऊपर में नोटिस में आपको देखने को मिल जाएगा, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा। तो इसी प्रकार से आप अपने जिले का कैसे देख पाएंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले नोटिफिकेशन में और क्या क्या दिया गया है, देखिए, कौन से विद्यालय में या कौन से पंचायत में कहाँ सीटें खाली हैं, वो पूरा लिस्ट दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो वो लिस्ट आप अपने ज़िले का अनुसार देखिएगा। देखिए, ये फॉर्म यहाँ पे जारी की गई है, बिल्कुल वही फॉर्म है जो मैंने आपको उपलब्ध करवाया था पिछले वीडियो में, तो देख सकते हैं वही फॉर्म है। देखिए यहाँ पे, जो मैंने आपको बिल्कुल साफ वाला फॉर्म उपलब्ध करवाया था, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड होगा, तो ये rozgarbihar.com से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, और टोटल ज़िले का लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, अभी कौन कौन से ज़िले का आया हुआ है ये भी यहाँ पर पता कर सकते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन सेक्शन में यहाँ पर नीचे देखिए कौन कौन से ज़िले का आया हुआ है। पहले तो देखिए, अभी जहानाबाद का आया हुआ है पंचायत लिस्ट, ठीक है, आप देख सकते हैं पंचायत का लिस्ट कि कहाँ कहाँ सीटें खाली है, और वहीं दरभंगा का जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो 2 जिले का अभी आ चुका है, बाकी सभी जिलों का आना बाकी है। 19 तारीख को जैसे जैसे आता जाएगा, यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग rozgarbihar.com पे आके चेक करते रहेंगे। या फिर दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल पहले नोटिफिकेशन देखते हैं कि और क्या क्या जानकारी दी गई है, ठीक है। तो और देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वही फॉर्म तक ही दिया गया है। तो आप अपने अपने ज़िले का कैसे देखेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पंचायत लिस्ट दिया गया है कहाँ पे सीटें खाली है, तो आप अपने पंचायत में जहाँ आपका सीट खाली है वहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। प्रखंड और पंचायत का नाम बताया गया है, तो आकर आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं कैसे देखेंगे अपने अपने ज़िले का। चलिए अब देखते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है rozgarbihar.com पे। यहाँ पे टोटल ज़िले का लिंक भी उपलब्ध करवाया गया है, सबसे नीचे आएंगे, सबसे नीचे आना है। देखिए यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ऑल डिस्ट्रिक्ट NIC वेबसाइट। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो सभी ज़िलों का लिंक आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, उसका वीडियो पहले से बना हुआ है, आप फॉर्म यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं फिलहाल आपको वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो है आपको टोटल बिहार में जितने 38 ज़िले हैं, 38 ज़िलों का यहाँ पे वेबसाइट है टोटली ज़िला का। कैसे खोलना है, चलिए मैं आपको अभी एक दरभंगा वाला खोल के दिखा देता हूँ। देखिए, दरभंगा का जो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके यहाँ पे नोटिस सेक्शन जो आपको दिखाई दे रही है, नोटिस सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे रिक्वायरमेंट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखिए नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड
कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने जो भी जिला आपका है वो अपने अपने ज़िले का चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जानकारी भी आप लोगों को अच्छी लगी ही होगी, और जैसा जैसे आता रहेगा ये यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। देख सकते हैं दरभंगा और जहानाबाद का उपलब्ध करवा दिया गया है, तो आकर चेक कर सकते हैं। बाकी ज़िलों का 19 तारीख से अपडेट कर दिया जाएगा, तो आकर चेक कर पाएंगे। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।